अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल SA मैथ वाइब्स। आज हम रैमन इंटीग्रल को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे रैमन इंटीग्रल क्या होता है, और रैमन इंटीग्रल में हम पार्टीशन क्लोज इंटरवल की, एक क्लोज इंटरवल आपके पास दिया जाता है ए और बी, उसकी आप पार्टीशन कैसे करते हैं, आप अपर जो है वो इंटीग्रल कैसे निकालते हैं रैमन सम में, लोअर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, इंटरवल कैसे बनता है, सब इंटरवल कैसे बनते हैं, और रैमन इंटीग्रल फिर कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। रैमन इंटीग्रल में पहली चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो पार्टीशन। पार्टीशन आपके पास हमेशा क्वेश्चन में एक क्लोज इंटरवल दिया जाएगा ए बी, आपने उसकी पार्टीशन करनी है। सो पार्टीशन आप उसकी जो है वो एन इंटरवल में, सब इंटरवल में कर सकते हैं। उनमें से एक वाले इंटरवल को आप उठा लेते हैं, उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक बड़ा पॉइंट होता है, एक छोटा पॉइंट होता है। बड़े पॉइंट को सुप्रीमियम बोलते हैं, उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। छोटे पॉइंट को इन्फीमियम बोलते हैं, उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और उस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एच इस्तेमाल करते हैं। बड़े इंटरवल से छोटा इंटरवल निकाल देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल आ जाती है। सो देखते हैं, अ फिनिट सेट ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल। आपको ए बी क्लोज इंटरवल दिया जाएगा, उसके अंदर जो आपने पार्टीशन करनी है वो फिनिट सेट की करनी है, मतलब लिमिटेड पार्टीशन आपने बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक पार्टीशन बनाई है ए ए बी के दरमियान, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, सो ऑन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन इक्वल टू बी, बी द पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल। ये जो ए बी क्लोज इंटरवल था, इसकी पार्टीशन मैंने बनाई, और इसमें मैंने अंदर जो है फिनिट इंटरवल बनाए, लाइक एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, सो ऑन एक्स एन तक। इसमें से आप एक्स नॉट और एक्स वन पहले दो पेयर को ले लेते हो, तो आप इसको कह देते हो सब इंटरवल वन, एक्स वन, एक्स टू इंटरवल टू, एक्स थ्री, एक्स फोर इंटरवल थ्री, सो एक्स एन माइनस वन, एक्स एन एन इंटरवल। सो किसी भी इंटरवल के दरमियान अगर आपने लेंथ निकालनी है तो दो पॉइंट है एक्स नॉट, एक्स वन, तो इसको आप कहेंगे एच वन। सो अगर हमने एच वन निकालना है तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट कर देंगे, एच वन आ जाएगा। एक्स टू माइनस एक्स वन कर देंगे, एच टू आ जाएगा। एक्स थ्री माइनस एक्स टू कर देंगे, एच थ्री आ जाएगा। एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन कर देंगे, एच एन आ जाएगा। और किसी, ये दो पॉइंट्स हैं एच वन में, एक्स नॉट, एक्स वन, दो पॉइंट में से एक बड़ा पॉइंट होना है, एक छोटा पॉइंट होना है। जो बड़ा पॉइंट है उसको हम कहेंगे सुप्रीमियम, जो छोटा पॉइंट है उसको हम कहेंगे इन्फीमियम। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्टीशन की समझ आ गई होगी। मैंने इसको लाइन में भी, स्केच में भी ड्रा किया, एक्स नॉट को एक इक्वल कर दिया, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स आर, एक्स आर प्लस वन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन, बी द पार्टीशन ऑफ ए बी। सो एक्स नॉट ए के इक्वल है, एक्स एन बी के इक्वल है। सब इंटरवल आप अपनी पार्टीशन में से कोई से दो इंटरवल ले सकते हो, तीन इंटरवल ले सकते हो, ये सब इंटरवल्स। सो एक्स नॉट एक्स वन हो सकता है, एक्स टू एक्स वन हो सकता है, एक्स फोर एक्स थ्री हो सकता है, कंजेक्टिव इंटरवल लेने हैं, और एक्स एन माइनस वन और एक्स एन हो सकता है। अब इसमें एक्स नॉट और एक्स वन में गौर से देखिएगा, स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो सुप्रीमियम और इन्फीमियम वैल्यू को निकालने में गलती कर लेते हैं। सो एक्स नॉट और एक्स वन में बड़ी वैल्यू एक्स वन है, यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू में बड़ी वैल्यू एक्स टू है, यहाँ पे एक्स एन माइनस वन और एक्स एन में बड़ी वैल्यू एक्स वन, आई मीन एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन बड़ी वैल्यू है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स एन माइनस वन छोटी वैल्यू है। लेंथ ऑफ सब इंटरवल एच वन, एच टू, एच थ्री, एक्स वन माइनस एक्स नॉट करेंगे एच वन आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे एच टू आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन करेंगे एच एन आ जाएगा। ये प्रोसीजर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन करने हैं। सो सबसे पहले जो है रैमन अपर सम, रैमन अपर सम डिफाइंड एज अपर पार्टीशन ऑफ एफ इक्वल टू एम वन एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस एम टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम थ्री करना हो तो हम कर सकते हैं एक्स थ्री माइनस एक्स टू और लास्ट करना है एम एन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन।
अब एम वन एक्स वन माइनस एक्स नॉट को क्या बोला एच वन, प्लस एम टू एक्स टू माइनस एक्स वन को क्या बोला एच टू, और इसको क्या बोला एच एन। सो इसको आप सिग्मा की शक्ल में लिख सकते हो, अपर पार्टीशन ऑफ एफ इक्वल टू समीशन आई वेरी वन ओवर एन एम आई एच आई। सो आप इसमें आई की जगह वन पुट करो तो एम वन एच वन ये आ जाएगा, आई की जगह टू पुट करो तो एम टू एच टू ये आ जाएगा, आई की जगह थ्री पुट करो तो एम थ्री एच थ्री ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, रैमन अपर सम निकालने का तरीका है। सिमिलरली जो आपने रैमन लोअर सम निकालना है, आपने एम वन की जगह पे रिप्लेस क्या कर देना है, स्मॉल एम कर देना है। यहाँ पे स्मॉल एम आता जाएगा, स्मॉल एम टू स्मॉल एम थ्री, स्मॉल एम वन स्मॉल एम टू स्मॉल एम थ्री, और यहाँ पे स्मॉल एम वन आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली फार्मूला क्या बन जाएगा, लोअर पार्टीशन ऑफ एफ इक्वल टू समीशन आई वेरी वन ओवर एन एम आई एच आई। तो ये अपर सम और ये लोअर सम निकालने का फार्मूला आ गया रैमन इंटीग्रल का। उसके बाद हमने क्या करना है, रैमन इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि लिमिट्स अप्लाई करेंगे लोअर सम के ऊपर अपर सम के ऊपर। अगर लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो फंक्शन में इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है रैमन इंटाइग्रेबल है ए बी क्लोज इंटरवल के दरमियान। रैमन इंटाइग्रेबल या रैमन इंटीग्रल लिमिट ऑफ अपर पार्टीशन ऑफ एफ एंड लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड इक्वल इंटीग्रल ए टू बी अपर लिमिट एफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी लोअर लिमिट एफ एफ एक्स डी एक्स। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर बराबर हो जाए तो कॉल रैमन इंटीग्रेबल और ए बी क्लोज इंटरवल। फिर हम कहेंगे जो क्लोज इंटरवल दिया गया है वो रैमन इंटाइग्रेबल है डिनोटेड एज इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स। इसको ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स से डिनोट करते हैं। ये प्रोसीजर है रैमन इंटाइग्रेबल को फाइंड आउट करने का। सो हमें क्या दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा इसके ओवरव्यू करते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया जाएगा, उसमें क्लोज इंटरवल ए बी दिया जाएगा। हम वो क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन बनाएंगे और पार्टीशन बनाने के बाद हम उसमें से इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल को फाइंड आउट जब कर लेंगे तो हम उस इंटरवल में देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है। बड़े नंबर को हम सुप्रीमियम बोलेंगे और कैपिटल एम से शो करेंगे, छोटे को हम इन्फीमियम बोलेंगे और लोअर एम से शो करेंगे या स्मॉल लेटर एम से शो करेंगे। फिर हम उसको फार्मूले में पुट कर देंगे लोअर सम में और अपर सम के फार्मूलाज में। दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन जो है वो रैमन इंटीग्रेबल हो जाता है ए बी क्लोज इंटरवल के दरमियान। ये ओवरव्यू था, समरी थी रैमन इंटीग्रेबल की। अब हम क्या करते हैं इसका क्वेश्चन करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रूव ब्रैकेट फंक्शन इंटीग्रेबल ऑन 3-6 क्लोज इंटरवल। हमने क्या करना है, ब्रैकेट फंक्शन को प्रूव करना है कि वो 3 और 6 के दरमियान क्या है, ब्रैकेट फंक्शन इंटीग्रेबल ऑन 3-6 क्लोज इंटरवल। हमने ब्रैकेट फंक्शन जो है वो प्रूव करना है कि वो रैमन इंटीग्रेबल है या नहीं क्लोज इंटरवल 3 और 6 में। उसने ए की जगह 3 दे दिया, बी की जगह 6 दे दिया। हमने 3 और 6 में ब्रैकेट फंक्शन को चेक करना है कि यह रैमन इंटीग्रल है या नहीं। सो हम ब्रैकेट फंक्शन का पहले तो पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। ब्रैकेट फंक्शन कभी भी आपको डेसिमल में रिजल्ट नहीं देगा, हमेशा वो परफेक्ट नंबर देता है। मीन आप ब्रैकेट फंक्शन में कोई नंबर पुट करें 4.5 4.6 4.7 4.9 वो हमेशा आपको रिजल्ट 4 देगा। और मीन 4.1 से लेके 4.9 तक फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन में आप डेसिमल पुट करो उसने रिजल्ट 4 देना है। 5.1 से 5.9 तक पुट करो उसने रिजल्ट 5 देना है। ब्रैकेट फंक्शन डेसिमल में रिजल्ट नहीं देता, हमेशा कंप्लीट नंबर जो है परफेक्ट नंबर जो है वो रिजल्ट देते हैं। सो लेट एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट फंक्शन कंसिडर कर लिया। बाई डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक जब वेन 3 लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन 4 मीन 3.1 से लेके 3.2 3.9 तक जब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 ग्रेटर देन मीन 3.9 तक 3.1 से लेके 3.9 तक फंक्शन में ब्रैकेट फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें रिजल्ट देगा 3। इस तरह 4 लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन 5 देगा 4, 5 लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन 6 5 और एक्स इक्वल टू 6 तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास
नंबर देगा 150, आपके पास 6 व्हेन एक्स इक्वल टू 6। ये ब्रैकेट फंक्शन की हमने पार्टीशन कर ली। सो इस पार्टीशन को मैंने एक लाइन के ज़रिए शो किया है। सो आप थोड़ा लाइन के ऊपर फोकस करिए कीजिएगा, क्योंकि लाइंस में वो सारी चीज़ें हमें चाहिए जो हमने डायग्राम में बनाई है, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए जो हमने क्वेश्चन की पार्टीशन में यूज़ करनी है, जो अपर सम लोअर सम में पुट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें इस पार्टीशन से निकल रही हैं। तो इसको गौर से समझिएगा, इसी प्रोसीजर को, इसी तरह आपने हर क्वेश्चन में इस प्रोसीजर को क्या करना है, रिपीट करना है, तो आपके पास जो रैमन इंटीग्रेबल वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व होते जाएंगे। सो मैंने पार्टीशन बना ली 3, 4, 5, 6। सो 3 से अगर मैंने आगे जाना है तो मुझे उसमें से छोटा नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो मैं आगे जाऊंगा, चाहे वो 0.1 ही हो। तो मैंने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवा लिया जिसको डेल बोलते हैं। तो क्या किया, 3 प्लस डेल करूंगा, मैं 3 से आगे चला जाऊंगा। अगर मुझे इस 4 से मैंने पीछे आना है तो मुझे 4 में से कुछ नंबर माइनस करने पड़ेंगे, चाहे वो बहुत ही छोटे क्यों ना हो। सो मैंने क्या किया, 0.1 4 में से माइनस कर दिया, तो मुझे 0.1 को मैंने क्या नाम दिया, डेल। सो 4 से अगर पीछे आना है 4 माइनस डेल करना पड़ेगा, पीछे आ जाऊंगा। 4 से अगर आगे जाना है 4 प्लस डेल करूंगा, तो मैं आगे चला जाऊंगा। 5 से अगर मैंने लेफ्ट में आना है तो 5 माइनस डेल, राइट में जाना है तो 5 प्लस डेल, 6 के लेफ्ट में आना है 6 माइनस डेल, और 6 के राइट में हम जाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू सिक्स तक हमारे पास पार्टीशन मौजूद है। सो ये पार्टीशन थी। अब हमने देखना है 3 और 4, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू 4, इसके दरमियान, इस पार्टीशन के इंटरवल के दरमियान फंक्शन हमें रिजल्ट क्या देता है, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स रिजल्ट देता है 3। सो इसको और से देखिएगा, 3 देता है रिजल्ट, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 5 के दरमियान 4 देता है रिजल्ट, 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6 के दरमियान 5 देता है, और x इक्वल टू 6 पे आपके पास क्या आ जाता है, डियर स्टूडेंट्स, 6 रिजल्ट आ जाता है। अब आपके पास पार्टीशन बन रही है, सब इंटरवल जो हमने पार्टीशन से सीखा है, एक पार्टीशन आपके पास लेट पार्टीशन 3 प्लस डेल, 4 माइनस डेल, 4 प्लस डेल, 5 माइनस डेल, 5 प्लस डेल, 6 माइनस डेल, और 6 बी द पार्टीशन ऑफ 3-6 क्लोज इंटरवल। ये 3-6 क्लोज इंटरवल की क्या है, पार्टीशन है। सो पार्टीशन में अगर आप देखिएगा, यहाँ पे आपने डायग्राम को गौर से देखना, यहाँ से हमने h भी निकालना है, h1 भी निकालना है, यहीं से हमने सुप्रीम वैल्यू भी निकालनी है और इन्फीमियम वैल्यू भी निकालनी है। सो हमारे पास जो पहला इंटरवल है वो है 3 प्लस डेल। सो 3 प्लस डेल में जो छोटी वैल्यू है वो 3 है, जो बड़ी वैल्यू है 3 प्लस डेल है, तो इसको आप कहोगे h1। सो h1 निकालेंगे कैसे, 3 प्लस डेल माइनस 3, 3 प्लस डेल माइनस 3, आपके पास क्या है, h1 डेल आ गया। अब h1 पे हमें m1 भी चाहिए, और हमें सुप्रीमियम m1 भी चाहिए, और हमें इन्फीमियम m1 भी चाहिए, वो भी h1 इधर से निकलेगा। अब हमने देखना है इस इंटरवल में, इस सब इंटरवल में फंक्शन हमें रिजल्ट क्या देता है। तो फंक्शन हमें रिजल्ट दे रहा है 3, तो बड़ी वैल्यू भी 3 है, छोटी वैल्यू भी 3 है, तो हम क्या कर देते हैं, m1 भी 3 है और m1 भी आपके पास 3 है। फिर हम निकालते हैं h2 कैसे निकलेगा, 4 माइनस डेल माइनस 3 माइनस डेल, तो आपके पास क्या आ गया, h2 आ जाएगा, 4 माइनस डेल माइनस 3 माइनस डेल, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 डेल h2 1 माइनस 2 डेल। सो हमने देखना है 4 माइनस डेल में और 3 प्लस डेल में हमारे पास फंक्शन वैल्यू कौन सी दे रहा है, तो अगेन फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। इसका मतलब ये h2 में भी सुप्रीमियम वैल्यू आपके पास 3 ही है और इन्फीमियम वैल्यू भी आपके पास 3 ही है। इसका मतलब m2 भी आपके पास सेम निकल आया, m2 आपके पास 3 है, m2 ही आपके पास 3 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने h3 निकालना है, h3 कैसे निकलेगा, 4 प्लस डेल, तो आप देखिए हम 4 के लेफ्ट 4 के राइट में चले गए, 4 प्लस डेल 4 माइनस डेल, फिर लेफ्ट में आ गए। इसका मतलब जब हम 4 प्लस डेल राइट में जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, और जब लेफ्ट में जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। यहाँ पे आपके पास एक ही इंटरवल में सुप्रीमियम वैल्यू और इन्फीमियम वैल्यू चेंज हो रही है, एक 3 आ रही है एक 4 आ रही है। तो हम पहले h3 निकालते हैं, जो कि 4 प्लस डेल माइनस 4 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस डेल, आपके पास h3 क्या है, 2 डेल। अब देखना है 4 प्लस डेल और 4 माइनस डेल में बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। सो 4 प्लस डेल और 4 माइनस डेल में बड़ी वैल्यू 4 है, छोटी वैल्यू 3 है। इसका मतलब m3 सुप्रीमियम वैल्यू आपके पास 4 निकलाई, और इन्फीमियम वैल्यू भी आपके पास कितनी निकलाई, 3 निकलाई। तो आपके पास क्या आ गई, m3 4 और m3 आपके पास 3 आ गई। यहाँ इन वैल्यूज़ को निकालने में डियर स्टूडेंट्स मोस्टली बच्चे जो है वो क्वेश्चन में गलती कर लेते हैं।
उसके बाद हमने निकालना है 5 माइनस डेल और 4 प्लस डेल, हमने जो है वो H4 निकालना है। सो H4 निकाला 5 माइनस डेल माइनस 4 माइनस डेल H4। सो इसमें देखना है 5 माइनस डेल और 4 प्लस डेल में हमारे पास फंक्शन वैल्यू कौन सी दे रहा है, तो एक ही वैल्यू आपके पास आ रही है 4, तो वही बड़ी वैल्यू है वही छोटी वैल्यू है। तो आपके पास M4 और M4 सुप्रीमियम वैल्यू और इन्फीमियम वैल्यू दोनों क्या निकलाई, सेम निकलाई। उसके बाद आपने क्या किया, 5 प्लस डेल 5 माइनस डेल निकाला, तो आप 5 प्लस डेल में जब गए आपके पास फंक्शन रिजल्ट दे रहा है 5, और जब 5 माइनस डेल में गए फंक्शन रिजल्ट दे रहा है 4। सो आप 5 प्लस डेल माइनस 5 माइनस डेल करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, H5 निकलेगा जो कि है 2 डेल। और जब हम वैल्यूज़ को देखेंगे कि फंक्शन इस H5 में हमें कौन सी वैल्यू बड़ी दे रहा है कौन सी वैल्यू छोटी दे रहा है, तो हमें दो वैल्यू मिल रही है 5 और 4। तो 5 जो है वो सुप्रीमियम वैल्यू और 4 जो है इन्फीमियम वैल्यू है। इसी प्रोसीजर को डे सोर्स आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास क्या है, तमाम एच के रिजल्ट और तमाम सुप्रीमियम वैल्यू और इन्फीमियम वैल्यू के रिजल्ट निकल आएंगे। उसके बाद हमारे पास अपर पार्टीशन का फार्मूला है M1, अपर पार्टीशन M1, यहीं से हमने अपर पार्टीशन का फार्मूला एक दफ़ा देख लेते हैं। ये फार्मूला है M1H1, M2H2, सो M3H3, M4H4, M5H5, M6H6, सो हमारे पास अपर पार्टीशन आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है इन्फीमियम वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे M1H1, M2H2, M3H3, तो हमारे पास लोअर पार्टीशन आ जाएगी। तो इस फार्मूले में हमारे पास रिजल्ट्स हैं सारे पुट किए, 3 डेल 3 1 माइनस डेल 4 2 डेल, ये आपके पास क्या है M1 3 और H1 डेल, M2 3 और H2 1 माइनस 2 डेल, M3 4 और H3 आपके पास 2 डेल, M4 4 और H4 1 माइनस 2 डेल, और उसके बाद M5 5 और H5 2 डेल, फिर आपके पास H5 5 और आपके पास 1 माइनस 2 डेल H6 और उसके बाद सिमिलरली ये आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में 6 डेल आ जाएगा। आप इस सारे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12 प्लस 3 डेल। सिमिलरली आप लोअर सम में फार्मूले वाले में लोअर रैमन सम में आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो पार्टीशन तो चेंज नहीं होनी, H1 H2 H3 तो यही रहेगा, आप चेक कर सकते हो। इसीलिए मैंने इनको पैरेलल लिखा है, ये तो चेंज नहीं होना आपके पास, ये तो सेम ही होएगा। तो चेंज क्या होना आपके पास, चेंज होना आपके पास इन्फीमियम वैल्यू और सुप्रीमियम वैल्यू। सो वो आप वैल्यू इन्फीमियम वैल्यू लोअर पार्टीशन में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12 माइनस 2 डेल। सो आप क्या कर दोगे, डेल एक छोटा नंबर है अप्रोच टू जीरो, सो एज डेल अप्रोचेज टू जीरो 12 इक्वल टू 12, यहाँ पे जीरो करोगे ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 12 इक्वल टू 12 आ गया। तो हमने डे स्टूडेंट देखा अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो ब्रैकेट फंक्शन इज रैमन एंटाइग्रेबल ऑन 3-6 क्लोज इंटरवल। सो ब्रैकेट फंक्शन क्या आ गया, 3-6 क्लोज इंटरवल में रैमन एंटाइग्रेबल आ गया। तो सिंपल डे स्टूडेंट्स क्या था, रैमन एंटाइग्रेबल, हमने पार्टीशन बनानी है क्लोज इंटरवल की, उसमें से हमने इंटरवल निकालने हैं, उसमें से सुप्रीमियम वैल्यू और इन्फीमियम वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने का तरीका मैंने आपको डायग्राम के जरिए समझा दिया है। उसके बाद डे स्टूडेंट्स हमने अपर पार्टीशन वाला फार्मूला, लोअर पार्टीशन वाला फार्मूला जो है वो भी सीख लिया। उसमें हमने रैमन अपर सम और रैमन लोअर सम वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, उसको सिंपल कैलकुलेट कर देना है। और अगर अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन इक्वल आ गई तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो गिवन इंटरवल में रैमन इंटाइग्रेबल है, और अगर नहीं आई तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है रैमन इंटाइग्रेबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको रैमन इंटाइग्रेबल की समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो डियर स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।